रोहतक IMT स्थित भाईचारा ट्रक यूनियन के प्रधान के ऑफिस में एक बार फिर बदमाशों ने घुसकर तोड़फोड़ करते हुए गले से कैश निकाल लिया। जी हां, युवक वहां मौजूद लोगों को गोली मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। प्रधान का आरोप है कि गांव में हुए झगड़े की रंजिश में युवकों ने ऑफिस में घुस इस वारदात को अंजाम दिया और यह पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें, इससे पहले गैंगस्टर लॉरेंस का गुर्गा मोनू डागर यूनियन में हिस्सेदारी के लिए फायरिंग करवा चुका है, जिसकी वीडियो हमने पहले भी आप लोगों को दिखाई है। भाईचारा ट्रक यूनियन के प्रधान गांव बलियाणा निवासी जितेंद्र ने बताया कि उसके गांव का अमित उर्फ मीता सतबीर अपने तीन दोस्तों के साथ कार में सवार होकर वहां पहुंचा और हथियार के बल पर ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ करने लगा और गले में रखे 10,000 रुपए भी निकाल लिए। आपको बता दें, उन्होंने दान पात्र भी तोड़ने की कोशिश की। जब ऑफिस में बैठे मुंशी सुरेश, ड्राइवर सत्यवान उर्फ सोनू और काला पापसमा ने उनका विरोध किया तो उन्होंने झगड़े के साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया और उन्हें धमकी दी कि प्रधान आज तो नहीं मिला लेकिन आगे उसे गोली मार देंगे। इसके बाद सभी IMT चौक की तरफ फरार हो गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अमित उर्फ मीता व सतबीर सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।